एक बार बता दूं। गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी इस वक्त 4:15 का वक्त हो रहा है, हालांकि उठ मैं 3 बजे गया था, लेकिन फ्रेश होना और सारी चीज़ें आराम से चलोगे कर रहा था मैं स्टार्टिंग। आपको अभी मेरे सर पे हेड माउंट दिखाई दे रहा है, ये गले बहुत बड़ा सर दर्द था, इस पर मैं कैमरा माउंट करके रास्ते को शूट करना चाहता था, बट बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पेन हो रहा था इसकी वजह से सर में। अभी मैंने लगा कर ट्राई कर रहा हूँ कि शायद ये पेन थोड़ा कम हो जाए, बस अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी सब ये सामान जो बिखरा हुआ है यहाँ पे इसको उठाएंगे और अपन निकलेंगे आगे के लिए। बाहर बहुत अंधेरा है, हाईवे पे थोड़ा देख कर डर लगता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं साइकिलिंग का। ऑलमोस्ट हम हो गए तैयार और यहाँ से निकलने के लिए नीचे। अभी सीन क्या होता है ना, मैं सामान कैसे लगा रहा हूँ साइकिल के ऊपर, इस टाइम पर जो भी चीज़ शूट करने की होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि मैं बहुत जल्दी निकलता हूँ। बाहर का आपको दिखाऊँ कितना अंधेरा है। बाहर देखिए ये रोड है, बाहर की ये हालात है, इतने अंधेरे में कोई शूट नहीं कर पाता। जैसे उजाला होता है उसके बाद ही मैं कुछ शॉट्स ले पाता हूँ, तब यहाँ से नीचे निकलते हैं, साइकिल पे सामान इंस्टॉल करते हैं, आगे निकलते हैं, फिर मिलते हैं आगे। मेरे मित्रों कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा होगा, अभी 4:30-4:45 हो रहा है और अंधेरा है पूरा हाईवे पे, इसलिए मैं शूट नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी लाइट के थ्रू कुछ कुछ उजाला दिखाई देता है रोड पे, बट इट्स वेरी डेंजरस। मेरे पास यार रिफ्लेक्टर्स नहीं है, तो ट्रक्स वालों को साइकिल बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, साइकिल्स क्या दिखाई देंगी। तो बस अब मैं यहाँ से चलता हूँ आगे, जैसे उजाला होगा मैं कैमरा ऑन करूँगा और दिखाऊँगा कि क्या हमारे नज़ारे हैं। मॉर्निंग फॉक्स, फाइनली अब जो है उजाला हो गया है और अब हम बात कर सकते हैं। लोग सुबह सुबह रनिंग करते हुए आ रहे हैं। अब जो है मैं आगरा से भी 20-25 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, मथुरा यहाँ से 50 किलोमीटर बचा हुआ है। कल जब मैं होटल आया वहाँ नहाया धोया और मैं 7-8 बजे ही सो गया और सुबह 3 बजे का अलार्म लगा के मैं 3 बजे उठ गया था। नींद तो ठीक ठाक नहीं आई, मतलब टूटी टूटी आधी अधूरी नींद आई, लेकिन ये है कि थकान दूर हो गई, मैं साइकिल कंफर्टेबली चला पा रहा हूँ। ये हाईवे जो है थोड़ा सा बड़ा हाईवे है, अभी तक मैं जिससे आया हूँ वो इतना बड़ा हाईवे नहीं था। यहाँ पे साइड में रुकना और थोड़ा आराम करने की भी बहुत ज़्यादा जगह है नहीं। आज का जो प्लान है 133 किलोमीटर्स राइड करने का है और वो मुझे पहुँचाएगा पलवल तक। तो आई थिंक आज मैं पलवल तक कोशिश करूँगा राइड करने की और फिर पलवल से कल दिल्ली हो जाएगा मेरा। अभी रास्ते में थोड़ा सा जो भी ठीक ठाक मुझे आसपास का वो लगेगा, साइड में रुकने की जगह वहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगा, वही ब्रेड पीनट बटर और क्या। वंदे मातरम। एक बात और बता दूँ, साइकिलिंग में मेरी स्ट्रेटजी होती है कि मैं सुबह जल्दी निकल जाऊँ और 9 बजे तक जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैं डिस्टेंस ट्रैवल करूं। उस 9 बजे के बाद से शाम के 5 बजे तक मैं थोड़ा सा आराम से चलाऊं। बेसिकली 5 बजे तक नहीं, 9 बजे से 3 बजे तक, 3-4 बजे तक, उस टाइम ना धूप जान ले लेती है, सर के ऊपर होती है एकदम और हर 10-15 मिनट में पानी के घूंट की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक ये स्ट्रेटजी मेरे लिए काम कर रही है, थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लग गया है, अब आगे जाके तो जन्नत ही होनी है ज़िंदगी। मैं हूँ इस वक्त आगरा मथुरा के हाईवे पे, मेरे चारों तरफ ये सुंदर सा नज़ारा है, जन्नत जैसे रास्ते में मैं चले जा रहा हूँ अकेला इस साइकिल पे। तो बॉस सूरज से चढ़ा भी नहीं है और ऐसी हालत हो गई है, पसीना पूरा हो चुका है।
सूरज देवता पीछे हैं हमारे। नॉट एट ऑल ईजी मैन, नॉट एट ऑल ईजी। कुछ 25 से 30 किलोमीटर चलाऊँ, 45 किलोमीटर रह गया मथुरा। हाईवे बड़ा ही तगड़ा है भाई। हाँ यार, ये बादल जो है ना, ये प्लीज़ थोड़ा रहम करें, सूरज की तपिश को थोड़ा सा कम रखें मेरे लिए। अच्छा वही मैं कहूँ कि इतना ज़्यादा पसीना, मुझे इतनी थकावट क्यों हो रही है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली है ना चढ़ाई थी अभी। जब भी कोई चढ़ाई आती है, अब मान के चलिए कि ढलान ज़रूर आएगी, तो वही ढलान मेरी ज़िंदगी में सामने आती हुई वापस। अभी भी चल रही है ना साइकिल, मैं ये ढलान समझ रहा था, ये तो कहीं और चली गई। वाओ वाओ, जस्ट लुक एट दैट। ये कहाँ की रोड है भाई, मुझे इस पर जाना है यार। फतेहपुर सीकरी वगैरह का रास्ता है शायद, ये दिखा तो था कहीं पे। मैं एक बात बताता हूँ, हर एक पेडल की ना एक अपनी कीमत होती है, उस पर ना जाने कितनी कैलोरी खर्च होती है, कितना स्टैमिना लगता है। वो पैडल ना कभी कभी ब्रेक लगाने की वजह से वेस्ट हो जाता है, कभी कभी लगाना ही पड़ता है। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर साइकिल चल रही है तो उसे ब्रेक का इस्तेमाल करके ना रोकूँ, अपने आप रुके तो रुके। ये मथुरा वाला रास्ता यही है ना, धन्यवाद लिया मैंने, रास्ता यही है, बस पानी मिल जाए कहीं से भरने के लिए। ठीक है भाई, यहाँ ठहर सकते हैं क्या अपन? चलो थोड़ी देर में यहाँ रुका था मैंने, यहाँ पर पाउच वगैरह पानी के लेके अपनी बॉटल भर ली। बॉटल बेसिकली मैं नहीं खरीदता हूँ। अब यहाँ से निकलता हूँ आगे, थोड़ा सूरज की इंटेंसिटी भी कम है। मथुरा 35 किलोमीटर यहाँ से। हाईवे बहुत प्यारा है ये वाला, अभी जब से करीब मैं 1 घंटे चला रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। मथुरा करके एक शहर है वो आने वाला है, 2-3 किलोमीटर रह गया है। चलो आपको दिखाते हैं हाईवे। और मेरे जो है ना आँखों पे पसीना आ रहा है, मुझे बांधना पड़ेगा, आलस आ रहा है निकाल के। वो मास्क है उसको पहनने में, उसमें बंडाना की तरह यूज़ कर लूँगा। वाह ये झंडा, अरे हाईवे, बिलियन डॉलर नज़ारा। ये देखिए दिल्ली 171 किलोमीटर है। देखो लगाने को तो यार आज ही दिल्ली में लगा सकता हूँ, बट इतनी जल्दी मुझे है नहीं, अपने शरीर की भी सुनना है मुझे। तो एक्सीडेंट हुआ रखा है, घुस गई डिवाइडर में। हाँ बता कि अगर आप लोगों ने सीरीज़ ना देखी हो तो मैं आई बटन दे देता हूँ। इस वीडियो पे आप एकदम से आ गए हो तो उन लोगों के लिए मैं ऊपर आई बटन दे देता हूँ, ज़रूर देखिए लद्दाख की सीरीज़, वो मैंने एक अलग ढंग से की थी और आप उसको देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था SSC CGL का, Tier 1 Tier 2 देने गया था, Tier 3 देने में नहीं गया था। एक बहुत बड़ा रिस्क मैंने लिया था, मैं हमेशा से ट्रैवल करना चाहता था, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ये एक अलग ही एहसास होता है, मैं इसको बयान नहीं कर सकता। अभी जैसे मैं ओन माई ओन अकेला साइकिल पे जा रहा हूँ दिल्ली, इतना थका हुआ हूँ, आँखों में पसीना दिखाई दे रहा है मेरे, और सब कुछ होने के बाद भी मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं शूट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरे जैसे कई लोग हैं जो ट्रैवल भी इतना करना चाहते हैं, उन लोगों को हर बात का एक्सपीरियंस हो। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं ट्रैवल करना बट नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस तैयार कर रहा हूँ जिसको देखने के बाद उन लोगों को भी ये महसूस ना हो कि यार वो नहीं जा पा रहा। तो इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप लोगों से बस इतनी अपील रहेगी, यदि चैनल पे आ गए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और आप हमारे साथ आगे बढ़ते रहें। इस वक्त पहुँच गए हैं मथुरा, मेरे पीछे आपको ये दिखाई दे रहा है सुंदर सा जय गुरुदेव टेम्पल, 5 मार्बल से बना हुआ पूरा। लुक एट दैट, कितना सुंदर लग रहा है यार। और यहाँ से अब दिल्ली बसता है 140 किलोमीटर। ये समय हो रहा है इस वक्त 10:30। धूप आग में चोरी खेल रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ उन बादलों को देख के कि ये बचा लेंगे मुझे।
और अब इस 4 पैसे नीचे उतरते हैं।